नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हमारा राजस्थान न्यूज। राजस्थान के वीर को राजकीय सम्मान एवं सैन्य सम्मान के साथ मेवाड़ के लाल मुरलीधर लोहार का अंतिम संस्कार किया गया। एयरफोर्स के जवानों ने कॉर्पोरल मुरलीधर को तिरंगा उड़ाकर बंदूकों की सलामी देते हुए गोल्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रदेश में नेताओं, जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों सहित ग्रामीणों ने पुष्प चक्र अर्पित कर मेवाड़ के लाल को विदाई दी। यह वीर धराता गांव उदयपुर के मावली तहसील का जयराम जी लोहार का पुत्र वीर था। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली तहसील एवं वल्लभ नगर के समीप धारता गांव निवासी शहीद मुरलीधर लोहार शहीद शनिवार को पूरे राज्य के एवं सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धारता के मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दरमियान एयरफोर्स के ऑफिसरों व जवानों ने शहीद मुरलीधर के घर पर उनकी पार्थिव देह पर तिरंगा उड़ाते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर सैल्यूट कर सैन्य सम्मान दिया गया। इसके बाद पिता जयराम, माता जमुनाबाई, पत्नी निर्मला, भाई राधेश्याम, मीठालाल जितेंद्र, बहन बाई जानी देवी एवं पुत्री हेमाद्री ने पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके एयरफोर्स के जवानों ने पार्थिव देह को उनके घर से सैन्य सम्मान के साथ धारता गांव के मुख्य मार्ग पर टेबल पर लाकर लोगों के अंतिम दर्शन कराने के लिए रखा। यहां पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी, मावली विधायक दलीचंद डांगी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व विधायक मावली शांतिलाल चपलोत, पुष्कर लाल डांगी, वल्लभ नगर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह सक्तावत, प्रमोद सामर सहित कई जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। इसके बाद वल्लभ नगर, मावली एवं आसपास के विभिन्न गांवों के लोगों ने शहीद की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद देशभक्ति गीतों पर सेना के वाहन में मेवाड़ के लाल शहीद मुरलीधर की शव यात्रा निकाली गई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोक्ष धाम पहुंची। इस दौरान धारता गांव की गलियों एवं घरों की छतों पर तिल भर के लिए भी जगह नहीं बची। सभी लोगों ने जगह जगह नम आंखों से शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा करते हुए अंतिम विदाई दी। शव यात्रा के दौरान लोगों ने अपने मन में देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए शहीद मुरलीधर अमर रहे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा मुरली तेरा नाम रहेगा नारों को उद्घोष किया। मोक्ष धाम में पहुंचने के बाद शहीद के परिजनों ने तिरंगे में लिपटे हुए अपने लाल के पार्थिव देह को कंधा देते हुए अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। इसके बाद वायुसेना के ऑफिसर ने शहीद के पिता को तिरंगा एवं शहीद का बैंड सौंपते हुए फोर्स की गतिविधियां पूरी करते हुए शहीद के पार्थिव देह को मोक्ष धाम में चिंता पर लेटाया। इसके बाद पिता, भाइयों सहित परिजनों ने मुखाग्नि दी तो वायुसेना के अफसरों व जवानों ने बंदूकों से फायर करते हुए मेवाड़ के लाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मोक्ष धाम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री कटारिया, सांसद जोशी, विधायकों सहित लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी की माता सुशीला देवी ने भावुक होकर मेवाड़ के लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों एवं परिजनों ने विद्यालय का नाम शहीद के नाम रखने एवं शहीद की प्रतिमा स्थापित करने के विचार रखे। इस पर गृह मंत्री ने शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण एवं गांव में पार्क बनाकर शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए आश्वासन दिया। सांसद जोशी व मावली विधायक डांगी ने पार्क व प्रतिमा के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की। जिला प्रमुख मेघवाल ने पार्क की 4 दीवारी में पानी की व्यवस्था करने की घोषणा की। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गुमान सिंह राव ने शहीद की पत्नी को राजकीय सम्मान के साथ राजकीय सेवा में नौकरी एवं सभी तरह के सैन्य सम्मान देने का भरोसा दिलवाया। बहुत नमन करते हैं कि तुम्हारे इस वीरतापूर्ण कार्य से आज देश सुरक्षित है। देश में जिस प्रकार की अमन चैन है, सीमाओं पर आप लोग अपनी जान हथेली पर लेकर देश रक्षा में लगे हुए हैं, और इसलिए आज आपके साथ सारी देश की जनता की एक तरह से सम्मान है। देश की जनता आपको प्रणाम करती है और देश की जनता आप लोगों पर नाच करती है, और इसी कारण से अटल जी के उस आदेश के बाद अब शहीद की बॉडी है वो उसके गांव में आती है, उसके परिवार में आती है, और आसपास के सब हजारों लोग आकर के उसको नमन भी करते हैं और उसकी जलती हुई चिता को देखकर देश रक्षा का संकल्प लेते हैं। मैं अपनी ओर से उस अमर शहीद को
सशत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। राजस्थान सरकार की ओर से भी उनको अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ।